स्कूल आ रहे मास्टर के लोगों की कमी है। कुछ दिनों से पहले एक बच्चे का हादसा हुआ, मौत होगी कैलेंट से, लाइट की फिटिंग है नहीं, जंगला टूटा पड़ा है, जंगला मांगी और भैया दो दिन बाद भेजिए रे भैया, दो ये भेजिए, उसको अनुशासन है क्या? एनटीआर के बीच में करना पानी की टंकी ऊपर की फूट जाते बच्चे है, उसको का अनुशासन है क्या? स्कूल का अनुशासन नहीं है भैया, स्कूल का अनुशासन मनाओ, और स्कूल में अनुशासन होगा तो बाद में गांव का अनुशासन होगा, और गांव में अनुशासन होगा तो बच्चे का अनुशासन होगा, और स्कूल खोलने और बच्चे पढ़ने से पहले भैया बच्चा पढ़ने से पहले उसके स्कूल में अनुशासन होना जरूरी है भाई। यो आपके परिवार में एक बच्चा हादसा में मर जाए और आपके क्या नाम 10 परिवार के बच्चे आप भेजोगे क्या स्कूल में? भाई मैं तो स्कूल में कमी है, और गांव में जागरूकता की कमी है, और गांव में क्या नाम है मुख्य आदमी की कमी है भाई साहब। मैंने राम राम, मैं सुनील से देख रहे हो किसान फोक्स चैनल। भाई फिलहाल ग्राम पंचायत सोनासर है, बिकी पंचायत जी है ना, पंचायत समिति पट्टे खड़े आप पूरे ये ग्रामीण हो रहे ही दुखी। सत्यता के है बात तो थे वीडियो पूरा देखा था जना पत्तो चाल लगो क्यों ऐ ज्यादा क्यों दुखी ही, ऐ रियल में दुखी ही कि नहीं दुखी ही, बातचीत कराना मामला को पत्तो चाल लगो। सोनासर पंचायत पड़ा है मलसीसर तहसील जमाई, तो चलो दिखाओ थानी हो आज को पूरो मामलो। ग्रामीण जो कहीं बाहू बातचीत और कर सके, सरपंच जी रियल में जो की बता रहे है हाई भर रहा ही गांव का बता सी क्या कुछ करें भी के, तारा कोई एतराज तो कुन्ना मेरे के एतराज भी क्यों मत मेरो जी खोल की बात कर सकू ना, कोई दिक्कत कुन्ना तारा भी कुन्ना जी साहब। सोनासर ग्राम पंचायत है ना सोनासर, विका ये ग्रामीण बंधु है भाई, और ये आपकी समस्या लेके आता ना कई दिनों का, कई दिनों का के कई दिनों का आज भाई मन्ने भी यहाँ फोन करियो कि भाई तो नानो ही पड़ेगो, तो वहां मैं भी आयो आरागा के ना आ गया पूछ सारा दिया पल तो पूरा मामलो जानियो, और अब आने पूछा कि भाई समस्या क्या है। राम राम भाई साहब, शुभ नाम के बात भाई जी, कल कौन करे रहा है जरूर बोलो यार, सुभाष जी के बात है इकट्ठा क्या हो रहा है इतना पानी की समस्या, पानी की समस्या साहब। अरे भाई पहले ये भाई लन दपाओ दे बताओ के समस्या, पानी की समस्या तो मत तो अब गेला गेला आयो ना जा चोट तो गुणाई बरेड़ा देखे अच्छा पीऊन वाली समस्या, रोटी खाई तीन तीन का खबरा यह बात है बस पानी की है ना तार तो अब मान बुझ लू बताओ भाई साहब आपके सर नहीं तो स्कूल को ग्राउंड तैयार को न पानी की पूरे गांव में पानी की समस्या है, पूरी सड़क रोड पूरी सब खराब है, न लाइट की व्यवस्था, स्कूल में सीसीटीवी कैमरा में खराब है सारा, कीचड़ भरे पड़े सब पूरे गांव में, कोई भी रोड साफ सुथरी नहीं है, मतलब परेशान होते है। सरपंच जी कई साल हुई सरपंच? 5 साल हुई पहले वाला सरपंच में, इस सरपंच में काम करने में कोई फर्क है की पहले भी सही है? बाटो ही दे रहा क्यों आए बात है, है? यार बात तो बढ़िया कर रहे हो सरपंच तो साफ पूरी रोड देख लो थे, चलो मैं दिखा दे पूरे गांव की पूरी रोड है, नर्सरी है गांव की, नर्सरी लगी है, नर्सरी पूरी कटिंग मारी है, पूरी नर्सरी कटिंग मारी है, स्कूल के माई 800 को बच्चों खत्म होने के बावजूद भी लाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर कूलर लाग रहे हैं वो खराब, पंखा खराब, सब कुछ खराब, स्कूल के अंदर मतलब हमारी तरफ बजट बढ़ो है उसका बावजूद काम नहीं करवा रहे हैं, काम हाँ कैमरा खराब हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं, मतलब खराब हो रहे हैं गांव की नर्सरी है पूरी, भाई फोटो ही नहीं 18 को स्टाफ है स्कूल के अंदर, 18 स्टाफ 18 का 110 और 130 120 का मुमकिन बच्चा है, 18 को स्टाफ बहुत बड़ी स्कूल, मतलब कुछ तो है रीजन, अगर स्कूल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टाफ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बच्चा कोई गुण घटाना चाहो, कोई गुण घटाना चाहो, कोई सरकारी स्कूल में प्राइवेट में कोई गुण डालना चाहो, आपके गाँव स्कूल सब चालू करो, अजी सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है माना, लेकिन मारी मतलब हम मनाया बताओ इस सरपंचों की शिकायत है, सरपंचों शिकायत किया गांव की तो टोटल रोड खराब, दूसरी नाली सोलर की लाइट ही टोटल लगी नहीं पलेंगी, टूट फूट होगी, मांग मारनी पड़ेगी, स्कूल को ग्राउंड जो खराब है, आज बच्चा खड़े जा रहे रोड के ऊपर दौड़ रहे हैं, काल हादसों जब कोई जिम्मेदार ठीक है, सेकंड स्कूल के अंदर ट्रैक वगैरह है, ग्राउंड को आधी दीवारी जो पल्ला मनेड़ी बाई पड़ी है तुरते था बैठ तक होने दो तरफ दीवार, पानी की तो पूरे है ही समस्या, ढाणी बसरी 20-20-30 साल हूँ बाकी ले कोई रस्तो नहीं है ठीक है,
और कोई बड़े आंगनबाड़ी को तो वो उसके प्रावधान, आंगनबाड़ी भी बड़ू बच्चा आ रहे हैं, छोटा बच्चा है आंगनबाड़ी में तो गाँव में लेके आ रहे हैं। मेरा भाई तेली बात ऊपर सांसाओं से बोल रहे हो ना, आओ तो यहाँ लग है कि गांव तो भेजा दुखी है सर। एक बार आप कंपनी में भाई साहब एक बार बताओ भैया मेरी सुनो आप भाई एक मिनट सुनो, सरकारी स्कूल है अपनी है ना, और स्कूल वाले है 15 अगस्त 26 जनवरी पूरा गांव चंदा देते हैं देते है, है? स्कूल वाले मास्टर बोलते हैं क्या नाम है गांव की कमी है, बच्चे भेजते नहीं है, बच्चे भेजे कहां से, स्कूल वाले मास्टर के लोगों की कमी है, कुछ नौ दिनों से पहले एक बच्चा का हाथ से मौत होगी क्लेंट से, लाइट की फिटिंग है नहीं, जंगला टूटा पड़ा है, जंगला मांगी ओ भैया दो दिन बाद भेजिए रे भैया दो ये भेजिए है, उसको अनुशासन है क्या, इंटीरियर के बीच में करना पानी की टंकी ऊपर की कूद जाते बच्चे है, उसको का अनुशासन है क्या, स्कूल का अनुशासन नहीं है भैया, स्कूल का अनुशासन मनाओ, और स्कूल में अनुशासन होगा तो बांध गांव का अनुशासन होगा, और गांव में अनुशासन होगा तो बच्चे का अनुशासन होगा, और स्कूल खोलने बच्चे पढ़ने से पहले भैया बच्चा पढ़ने से पहले उसके स्कूल में अनुशासन होना जरूरी है भाई। यो आदमी आया है कुनी निकल निकल पड़ रहा है गंगे एक, यो वो गार्डन है जको गलती बर्दाश्त कुनी कर सके, लेकिन लेकिन फिर भी देखो हाँ। ये आप मुझे एक बात बताओ, आपके परिवार में एक बच्चा हादसा में मर जाए और आपके क्या नाम 10 परिवार के बच्चे आप भेजोगे क्या स्कूल में भाई, 500 बताओ क्यों कान किया है इसके अंदर, मतलब स्कूल में कमी है, गांव में जागरूकता की कमी है, गांव में क्या नाम है मुख्य आदमी की कमी है भाई साहब। एक भैया के अंदर झूझ में एक घटा मर जाता है, इसके तो पता झाड़ू उठा लेते हैं, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा जब तक क्या नाम हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं तो मास्टर ये बोले मैं एक महीने की सैलरी दे दूंगा, और बोल रहे हैं इस बच्चे को एक महीने की तनख्वाह दे देंगे तो सब लोग नायक बोलो चुपके मर जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई ओ भाई साहब है यो एक नजर आपा देखा तो खूब अच्छो भाषा बढ़िया है, बोलना बढ़िया है, समस्या है वो बता रहे है, दूसरी नजर देखांगा तो यो एक दिव्यांग आदमी है भाई, जैसे गुस्सा आ रहा है। एक बात बताओ गांव का विकास होगा तो तब होगा, गांव का विकास हुआ हुआ बट है ना हमसे कटिंग हो रही नस्ली में कोई पेड़ पौधे की कटिंग हो रही है ना, कोई भी जागरूकता नहीं है, कोई बोला कुछ शिकायत करो मैं करूंगा अकेला जाके, गांव है गांव का मुखिया कौन है भैया, पूछना चाहता हूँ मुखिया ही करा भाई, फिर आधा घंटे को आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके गांव की हर गली में एक वीडियो आप बना के देखो भाई, मैं तो दुख सुख पा की तारी पंचायत को नाको प्या दियो मेरा भाई, मैं तो देखे भाई कल डो काम है, स्कूल में अनुशासन नहीं है भैया, स्कूल है ना जानवर आई है बच्चे की अनुशासन है क्या है, एक पास स्कूल है मैडम जी ने ऐसा कहा यह पायलट स्कूल वाले दुकान है टीचर लोग बारी बारी पास वाले करके बैठे हैं, इसके रिजल्ट 100% हमारे स्कूल का रिजल्ट डबल जीरो बीएडएमसी का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है स्कूल को डाउन है, प्राइवेट स्कूल से डाउन, प्राइवेट स्कूल से डाउन है, डाउन है हाँ, भाग देखो 117 अभी टोटल एडमिशन है 117 बच्चे हैं, 173 बच्चे जो बाहर हैं, 173 बच्चे दिखा रहे प्राइवेट उसके रास्ता वहां रास्ता बताओ मेरे को, ये रास्ता चाहिए एक भी रास्ता सही नहीं, एक भी रास्ता पूरे गांव के रास्ते सारे ऐसे खराब है, पानी की समस्या पूरे गांव के अंदर, लाइट की समस्या स्कूल के अंदर, ग्राउंड की समस्या, सारी समस्या है जी। तो भाई थे देख रहे हो ग्राम पंचायत सोना सरेबी का सरपंच जी आपने कन बैठे ही और आके चारों मेर यहाँ मांड फिर रही है भाया, तो तन पहले भी खादू क्यों ना आया कह दिया मैं भी मारो छीन कहें कुने आयो है, अच्छा मोटियारिया है वाह, बुजुर्ग तो कोई सो लाग रही हो जवान ही एकदम जोश में ही, तो सरपंच जी ए ले ही वो एक परसो ठीक है, कई दिन वो यहाँ करे सरपंच जी ढूंढ रहे हाँ, तो कड़े बिजी आ गए बिजी गुनिया, शुभ नाम साहब आपनो सही राम जी, एज की डिमांड है लिखी लिया ही नहीं आपके मायनू कौन कौन सी आपकी मानने वाली बात है, गौशाला के लिए बोले ही कि मायने की है कि प्रावधान है बंजर जमीन चाहिए, सरकार को जो नियम है मिल सके
पांच बीघा दस बीघा जमीन बंजर चाहिए। बंजर चाहिए हाँ बिल्कुल। और बंजर जमीन है कोने पंचायत में? सोना सर ग्राम पंचायत में कठे बंजर जमीन को जमीन कोने कोई बीघो दो बीघा जमीन हो तो अलग बात है। जवाब देखो प्रिंसिपल साहब आएंगे ना वो जवाब देगा। ये तो प्रतिनिधि है उनकी। ये प्रतिनिधि तो सर आने अति अथॉरिटी तो दी है जो प्रतिनिधि बना भी जाए तो जवाब तो आई देगा ने नहीं जवाब दे दिया जन ये बाहर न खड़े है तारा गांव का अन्न में रोक के आए हाथ जोड़ के 5 मिनट रुको। अंदर भी गाँव वाले थे जो पूछा है ना गाँव वालों ने पूछा है। गाँव वालों ने सर हमारे सामने कुछ पूछा ही नहीं है। हमने पूछा था आपसे आप लेट आए होंगे तो पूरा ग्राम पंचायत में बंजर भूमि ही वो आबादी में कन्वर्ट होगी। अच्छा आबादी में कन्वर्ट होगी आशानी बात कही थे। अच्छा अब बताओ आगे क्या बता रहे थे? तो बी के लिए या तो कोई दानदाता हो जमीन दे जदवा गौशाला चालू हो मतलब थाना जमीन चाहिए तो एक लिए साहब कितनी जगह चाहिए? कम से कम 5 बीघा 10 बीघा तक कमो कम कति चाहिए? 5 बीघा जमीन चाहिए। एक बात तो यह है कि अगर जमीन मिल रहा है थाने तो थे वो काम आगे बढ़ाओगा। चलो आ तो होगी और देखो और तो जय अशोक नगर में सड़क की तरह की सड़क बन चुकी चलो भाभी होगी। तो अब मैं एक बात बीच में और जानना चाहूँ कि मैडम जी ही आका क्या प्रॉब्लम है आके सुनी दे सरकारी स्कूल में और प्रिंसिपल साहब आया को ने आज बयाना भेजेगा तो आके सुन ली के प्रॉब्लम की सुन ली नहीं आके की प्रॉब्लम तो गांव की है गांव की आके तो कोई प्रॉब्लम को ने आराम से आवे भाई मुखिया तो बना रहा नहीं भेजे ही कि भाई अपनी आवाज सरपंच जी तक पहुंचा होते आई बात है ना मैडम जी गांव तक कुछ नहीं है आवाज गांव की समस्या है वो हम सुनने के लिए तैयार है और हमें तो देखो सहयोग मिल रहा है गाँव का ऐसी बात नहीं है गांव है हमेशा तत्पर रहता है काम के लिए। नहीं गांव बहुत बढ़िया बाबा ठीक है मैडम जी मैं यहाँ सुनी कोई बच्चे का करंट लाग बिल्कुल सर लगा अभी बात नहीं लेके आए होगे इतने बड़े नहीं हम लेके नहीं आए ये विद्यालय परिसर में कोई भी समस्याएं हैं उसके लिए हमें बुलाया गया है तो मैं पीओ सोना सर की प्रतिनिधि के रूप में आई हूँ संगीता मिठारवाल मेरा नाम है और विद्यालय परिसर में हमारे पास क्या समस्याएं हैं उसको मिल बैठ के हम लोग इसको क्या करें तो मुख्य रूप से क्या समस्या है यहाँ पे विद्यालय में? ये वाटर कूलर का है पंखे हैं अभी देखिए वो हादसे के बाद में सारी फिटिंग वापस से रिपेयर हो रही है तो टाइम लग रहा है क्योंकि कहीं कहीं फॉल्ट होता है तो वो एमसीबी उड़ जाती है वापस से वो सॉरी गिर जाती है और ये खिड़की कुछ मतलब जैसे कोई छेद हैं उनकी रिपेयरिंग का है मतलब डेंटिंग पेंटिंग ज्यादा जी। तो मैडम जी मन ने तो यहाँ लगा है कि दिक्कत में तो छोटी ही थाली है जी जी। लेकिन प्रॉब्लम एक नजर देखा तो है बड़े रूप ले सके सर हम लोग तो वो काम होना चाहिए आई बात सरपंच जी बताओ आज की है सुनिए आप कर रहे होगे नहीं हमारी तरफ से जो भी मदद होगी वो मिलेगी करेगा थे हाँ संतुष्ट हो गए थे जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप वीडियो भाई थे पूरा देखियो है थाने के इलाके थारा सुझाव कमेंट बॉक्स में दियो एक एक कमेंट बड़े बारीकियों पड़े जागर उसका जठे तक 100% संज्ञान ले जागर वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो और भाई अगर पसंद आओ तो एक बूटो मार के लाइक कर दियो ठीक है भाई और दो चार कोई नयो जुड़े ना भाई कोई नयो आदमी देखकर तो सब्सक्राइब कर लियो जो मेलो काटो भी निकल